पंजाब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत ट्रैफिक रूल्स को और भी ज्यादा सख्त किया गया है। साथ ही ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर किसी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो उसे एक यूनिट रक्तदान करना होगा। नए ट्रैफिक रूल्स में कहा गया है कि गलती दोहराने पर जुर्माना भी दोगुना हो जाएगा और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पंजाब में जिस तरह के नए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उनकी तारीफ भी हो रही है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यदि कोई रूल्स तोड़ता है तो उसे एक रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना पड़ेगा और इसके बाद अथॉरिटी से सर्टिफिकेट भी लेना होगा और कम से कम 20 स्टूडेंट्स को रोज 2 घंटे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना होगा। नए नियमों के मुताबिक पहली बार ट्रैफिक लाइट जंप करने पर या ट्रिपल सवारी बैठने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ओवरलोडिंग वालों पर 20,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ज्यादा होता है। आंकड़ों के मुताबिक रोज 13 लोगों की जान सड़क दुर्घटना में जाती है।